साथियों, आपके पास इस तरह का मैसेज आया होगा होम गार्ड पासवर्ड रीसेट का, और इसके अंदर जैसे आप देख रहे हो कि मैसेज 25 तारीख का है, तो अब नहीं हो पाएगा। 24 घंटे के अंदर का जो समय इसका बीत चुका है, तो इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस प्रकार की वेबसाइट पर पहुँचोगे। ये उनके लिए बता जा रहा है जिनके पासवर्ड रीसेट में परेशानी हो रही है। तो अब आपको बताया कि आप इसके अंदर डालोगे नहीं होगा, क्योंकि 24 घंटे तो ऊपर का समय हो चुका है। तो आप यहाँ पर क्लिक करो, अकाउंट के अंदर जाओ, साइन इन पर क्लिक करो, और पासवर्ड फॉरगॉट का जो ऑप्शन उस पर हमने क्लिक किया उस पर कर दो। इसके अंदर ईमेल एड्रेस भर दो अपना, जो ईमेल एड्रेस है आपका ये वाला आया हुआ है, इसको पहले आप यहाँ से क्लिक करके क्रोम के अंदर खोल लो, ताकि आप दोबारा ईमेल की एप्लीकेशन के अंदर जा सको। यहाँ पर जाओ और जो आपकी है आईडी ये वाली योगेश बुखेर 31 योगेश बुकर जैसे ही आ गया, ये आईडी हमने भर ली है। भरने के बाद आपको रीसेट पे क्लिक करना है। आप चेक योर ईमेल डिटेल, अपने ईमेल के अंदर आप वापस जाइए, यहाँ पर क्लिक करिए। आपको 10/24 पर देखना है पासवर्ड रीसेट का लिंक आ गया, इस पर क्लिक करना है और इसको आपको क्लिक कर देना है। 112 क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसके अंदर योगेश जी अपना पासवर्ड भरेंगे, वो हम आपको दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से योगेश जी ने अपना पासवर्ड इसके अंदर डाल दिया है। पासवर्ड में आपको एक स्पेस नहीं आपको देना होता है, उसके अंदर न्यू पासवर्ड के अंदर जैसे अपना कोई अपना नाम भर दिया, उसके बाद कुछ 3-4 गिनतियों के अक्षर लिख दिए, या अपना ATM पिन लिख दिया, यानी केवल ABCD के अक्षर और गिनती के अक्षर आएंगे। फिर न्यू पासवर्ड के अंदर भी आपको सेम डालना है। उसके बाद जब आपका डल जाए तो आपको रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। इस पर लिखा गया है सब कुछ ठीक होने पर ये आ जाएगा लिखकर, जब दोनों पासवर्ड सेम हो गए, योर पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट प्लीज साइन इन, तो आपको साइन इन पर क्लिक करना है। यूज़र नेम के अंदर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पर ईमेल आईडी में है योगेश, जो आपकी ईमेल आईडी है वो योगेश, जैसे योगेश जी का चल रहा है योगेश बुकर। अब पासवर्ड भी अपना डालेंगे इसके अंदर, तो उन्होंने भी अभी भरा था। अब योगेश जी ने अपना पासवर्ड इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर साइन इन करके दिखाते हैं आपको। साइन इन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब इस पर आपको अपनी जो जानकारियाँ है वो देखने के लिए क्या करना है, इस पर आपको सेव पे चाहे आप क्लिक कर सकते हो, फिर रहने दो। इसको यहाँ से हटा दिया हमने। इस पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, ड्यूटीज़ वाले सेक्शन पर जाके देखना है। फिलहाल इस तरह की अभी कोई ड्यूटी का सिस्टम नहीं आया हुआ है, वो जब जब डला करेगी उस टाइम आपको दिख जाया करेगा। फिलहाल आपको अपने प्रोफाइल के अंदर जाना है मैन, और इसके अंदर आपकी पर्सनल की डिटेल दिख जाएगी। आपको उनका स्क्रीन शॉट ले लेना है फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्स। यह आ गया जिसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस होगा। फिर ऑफिशियल की डिटेल के अंदर आपको आपका भर्ती होने के टाइम पर जो बेल्ट नंबर है, जो हाइट है, आपकी डेट ऑफ एनरोलमेंट है, डेट ऑफ जॉइनिंग है, कौन सी विंग के अंदर आप ज्वाइन हो, क्या आपका क्राइटेरिया था, कौन सी कंपनी के अंदर है, क्या ब्लॉक है, और क्या फैमिली आईडी, वो आपका दिख जाएगा। बैंकिंग डिटेल आपको अगली स्लाइड पर लिख जाएगी, उसका भी आप स्क्रीन शॉट ले लेना। उसमें आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का या फिर कोड, अकाउंट नंबर, यूनिक जो कोड है वो आपको दिख जाएगा, जिससे आपके बैंक में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। यानी आपका चेक कर लेना सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, वापस इसको आपको यहाँ पर क्लिक करना अकाउंट के अंदर, और यहाँ पर जाकर आपको साइन आउट कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करके आपको ऐड होम स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। इस तरह का होगा ऐड ऑटोमेटिकली, जिसके मैं हो रहा है ये ऐड होम स्क्रीन का, ठीक है, नहीं तो आप इसको यहाँ पर स्टार भी कर सकते हो, जिसके मैं अगर ऐड होम स्क्रीन का ऑप्शन ना हो। फिर आप यहाँ पर जाके इसको किसी भी टाइम यहाँ से क्लिक करके दोबारा जब भी आपका देखने का मन करे आप इसको खोल सकते हो।
प्रकार से जब भी आपका देखने का मन करे आप इसको इस तरह से यहाँ पर डाल के खोल सकते हो। थोड़ी देर में खुल जाएगा, ये आ गया, ठीक है। इसके अंदर वैसे ही आप जब चाहो अपने अकाउंट के अंदर जाके साइन इन, वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के साइन इन करके अपनी डिटेल को चेक कर सकते हो। पासवर्ड आपको हमेशा याद रखना है, आपका यूज़र नेम होगा हमेशा, वो आपकी ईमेल आईडी होगी और पासवर्ड के अंदर कोई भी स्पेस नहीं होता है, ये ध्यान रखना। बस आपको केवल इतना ही करना है और इस तरीके से आप अपना चेक कर सकते हो कि आपका सारी डिटेल ऑनलाइन चढ़ी हुई ठीक चढ़ी हुई। अगर गलत चढ़ी हुई है तो जाके ऑफिस में संपर्क करें, और अगर आपकी सारी डिटेल ठीक चढ़ी हुई तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। मैं आपका साथी अमित किसवाणवे, जय हिंद, जय होम गार्ड्स, जय भारत। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बगैर मत जाइएगा। साथ ही अगर आपको कोई एलिमेंट काफ़ी पसंद आया है या फिर आपको किसी पर और ज़्यादा डिटेल चाहिए, उसके बारे में आप बेझिझक कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। साथ ही ऐसा साथी जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, आप उसको ये वीडियो शेयर करके उस तक पहुँचा सकते हो, और आप ऐसी जानकारियां प्राप्त करने के लिए गूगल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।